फिर भी आप जा रही हैं, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशी के लिए कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पार्क चाहते हैं मैं चली जाऊँ साहिल को, एक बहुत इमोशनल मोमेंट कहीं ना कहीं बन रहा है। या ऑफ कोर्स, बिकॉज पार्ट मुझे इस घर में लाया था और वही चाहते मैं चली जाऊँ, तो ट्रेनिंग चली जाएगी। वैसे भी काम हो गया अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, सरोगेट आई थी एंड द थिंग इज डन। सो आपकी क्या अभी मोमेंट, क्या फीलिंग्स अंदर चल रही है, रोना एंड ऑल? या मतलब ट्रेनिंग इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड बहुत दुखी है अंदर से, क्योंकि उसके लिए तो परिवार, फैमिली जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला उसको, फॉर हर दिस वॉज हर कम्प्लीट लाइफ, कम्प्लीट वर्ल्ड, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए था। बट अब सडनली पार्ट चाह रहा है कि मैं चली जाऊँ, वो भी अपने पॉइंट पे सही है, उसको लगता है कि मैंने उसकी बीवी का मर्डर किया तो मैं चली जाऊँगी, बिकॉज पार्ट मुझे इस घर में लाया था। अगर पार्थ ही नहीं चाहता मैं आ रहा हूँ तो टेनी कभी भी उसके अगेंस्ट जाके नहीं रहेगी। लेकिन बेबी गर्ल जो है उसका क्या होगा, आपने सोचा है? बेबी गर्ल को घर वाले संभालेंगे। अच्छा, वही आपने पार्थ को एक अच्छे वे में दिखाया है घर वालों के सामने, चूंकि पार्थ ने आपको बोला है घर से चले जाएं, बट आप घर वालों के सामने पार्थ को एक अच्छी तरह से पेश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इट्स बिकॉज दोस्त होता है, टेनी ने हमेशा उसको दोस्त माना है, दिल से माना है। और अभी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि टेनी भी कड़वी हो जाए उसकी तरफ। शी हैज़ प्रॉमिस्ड हिम कि वो चुपचाप चली जाएगी, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस रखा मुझे बच्ची से मिलने दी, इसलिए वो जा रही है। लेकिन एक चीज़ और, वेलकम जो है तब आपके पास बेबी नहीं था, आप सिर्फ अंदर गए। बेबी ऑलरेडी पार्ट पहले ही ले आया था। सो कैसे इतना स्वागत एंड डेकोरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? या आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी, पिंक एंड वाइट बलून्स आर सेटिंग, पीपल हैव डन अ वेरी क्यूट जॉब, आई रियली लाइक दीज बर्ड्स, और एवरीबॉडी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। सो क्या वाकई टेनी चली जाएगी या अभी रुक जाएगी थोड़े दिन? उसके लिए तो सबको देखना पड़ेगा दिल से दिल तक। थैंक यू।